अगर आप विदेश से आ रहे हैं, पटना अगर आप एयरपोर्ट पर चले आए हैं, एकदम कम पैसा में आप अपने घर पर सुरक्षित पहुंच जाइएगा। आप सिवान जिले या गोपालगंज से कहीं से भी हो, सुरक्षित आपको ये पहुंचाएंगे। सिवान से पटना जाना हो 2600 रुपये देना है। मात्र 2600? जी मात्र 2600। पटना से अगर सिवान आना होगा तो 2600। बढ़रिया से पटना जाना होगा तो 2600। बढ़रिया से लखनऊ जाना होगा तो बढ़रिया से लखनऊ जाना है तो 9999। उधर से आना है तो उतना ही सेम। गोरखपुर 3000। मात्र 3000? मेरे पास अपना खुद का गाड़ी है 6, बाकी मेरे सर्किल का गाड़ी है 200 गाड़ी। कितना गाड़ी आपके पास? 200 गाड़ी सर। 200 गाड़ी जी। ऑल इंडिया मेरा कोलकाता हुआ, जैसे आपका मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, कोटा, कहाँ कहाँ हमने गाड़ी भेजा है। यानी ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी गाड़ी जा रही है। यानी पटना 4000 में गाड़ी जाती होगी तो आप 3500 में भेजिए। जी 3500 में भेज देंगे। इधर से लेकर भी जाएगी, उधर से लेके भी आएगी, उधर से लेकर भी आएगी। बी ए, बी कॉम, बी एस सी, एम ए, एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपके एस सी यू न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ यूनुस। पहले आप दिल्ली या मुंबई या पटना में अगर आप होंगे तो आप ऐसे ही एक ऐप्स आता है ओला का, उस पर आप डालिएगा लोकेशन, 10 मिनट के अंदर में आपके पास चला जाता है। हम लोग भी जब गए थे तो बड़ा खूबसूरत लगा था हम लोगों को। हमारे सिवान में था, पहले डिस्ट्रिक्ट में था, लेकिन अब बढ़रिया में देखिए ऑफिस खुल गया है। ये अन्या टूर एंड ट्रेवल्स से हाल कैमरा पे ये तमाम गाड़ियाँ आप अब हायर कर सकते हैं, और अब हायर करके आप दिल्ली, मुंबई, पटना, गोरखपुर, लखनऊ, आप तमाम जगहों पर आप जा सकते हैं। स्क्रीन के साइड में आप दिखाई दे रहा होगा कहाँ कहाँ जा सकते हैं। इन्होंने बताया कि इंडिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। अगर आप विदेश से आ रहे हैं, पटना अगर आप एयरपोर्ट पर चले आए हैं, एकदम कम पैसा में आप अपने घर पर सुरक्षित पहुंच जाइएगा। आप सिवान जिले या गोपालगंज से कहीं से भी हो, सुरक्षित आपको ये पहुंचाएंगे। लगा लेकिन ये इनका ऑफिस अब बढ़रिया में खुल गया, जामू रोड में आइएगा, अपर स्कूल है, उसके सामने मिलन मोबाइल है, मिलन मोबाइल के 10 कदम आप आगे आइएगा सैफ मार्केट है, सैफ मार्केट की गली में इनका ये ऑफिस खुला हुआ है, जो कि आप लोग बैकग्राउंड में खूबसूरत नज़ारा देख रहे होंगे। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो मात्र 2500 रुपये आपको छुटकारा मिल ही जाएगा यहाँ से। अगर आप सिवान से या बढ़रिया से अगर पटना जाना चाहते हैं, मात्र 2500-2700 रुपये में आप चले जाइएगा एकदम एसी वाला कार में, सुरक्षित, मात्र सिंगल लोग जाएंगे। ऑनर से जान लेते हैं, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये 7 सालों से इस लाइन में वर्क कर रहे हैं, जा सकते हैं। हालांकि इमरजेंसी में भी आप जा सकते हैं, या एक दिन पहले आप बुक कीजिएगा, उसको अगले दिन से ये आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर नमस्कार। कितना सालों से आप काम कर रहे हैं? इसमें हम 7 से 8 साल के करीब में काम कर रहे हैं इस लाइन से। पहले कहाँ कहाँ आप वर्क? पटना में प्रॉपर रहते हैं, अभी भी मेरा प्रॉपर पटना में ही है। मेरा घर हुआ हलीम टोला कैलगढ़, नहीं सिवान, सिवाने में पड़ता है। सिवान में पड़ता है जी, तो मेरा घर यहाँ पे है। अच्छा। और घर पे भी हम कंटिन्यू आते ही जाते रहते हैं, मैंने महीना में 5 चक्कर 6 चक्कर लगना ही लगना है। हाँ। क्या है कि पटना में हम 7 साल से ओला उबर सारे चीज़ों में हमने काम किया है और करवाया भी है, और आज भी अपने वहाँ पे पटना में बहुत सारी जैसे दिल्ली उल्ली की कंपनियाँ आती हैं, जैसे में गद्दा की कंपनी होती है, बहुत सारा L&T का भी काम, बहुत सारा काम हम कंपनी से ज्वाइन करके काम करते हैं। वहाँ पे भी मेरा गाड़ी हायर किए हुए हैं, वहाँ पे भी हम गाड़ी दिए हुए। यानी सारे कितना गाड़ियाँ हैं आपके पास? मेरे पास अपना खुद का गाड़ी है 6, बाकी मेरे सर्किल का गाड़ी है 200 गाड़ी। कितना गाड़ी आपके पास? 200 गाड़ी सर। 200 गाड़ी जी। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं, अगर सिवान से पटना जाना होगा तो कितना रुपया आपको देना होगा? सिवान से पटना जाना हो 2600 रुपये देना है। मात्र 2600? जी मात्र 2600। पटना से अगर सिवान आना होगा तो 2600। बढ़रिया से पटना जाना होगा तो 2600। बढ़रिया से लखनऊ जाना होगा तो बढ़रिया से लखनऊ जाना है तो 9999। उधर से आना है तो उतना ही सेम। गोरखपुर 3000। मात्र 3000? मात्र 3000। पटना दूर है, गोरखपुर दूर है जी बढ़रिया से? पटना दूर है। तो पटना दूर है तो उसका 2600 लग रहा है, इसका 3000। क्योंकि देखिए पटना से क्या होता है कि वहाँ पे आपका पैसेंजर हुआ, चाहे बहुत सारे लोग होते हैं जो पटना से ज़्यादा प्रेफर करते हैं आपको, सिवान से प्रेफर करते हैं पटना, और गोरखपुर इन केस यानी कि 100 में 50% भी नहीं, 25% ही गोरखपुर लोग प्रेफर करते हैं। देखिए इन लोगों का बिजनेस चलने का मकसद हम बता दें एक ही है, पहले जब लोग विदेश से आते थे ना तो फैमिली को बुलाते थे वहाँ पे, और 4-5 लोग जाते थे और उनको रिसीव करके आते थे। अब आम हो गया है विदेश से लोगों को आना, हर घर में लोग विदेशी हैं, अब वो लोग क्या टाइम बचाने के लिए, तमाम लोगों के पास वक्त नहीं रहता टाइम बचाने के लिए, वो लोग विदेश से आते हैं, पटना एयरपोर्ट पर उतर के फ़ोन किए, गाड़ी पहुँच गई वहाँ पर, गाड़ी लिया और सिर्फ घर पर छोड़ दिया, पैसा भी बच गया, वक्त भी बच गया, और सेफली और इत्मीनान से आप एक्सपीरियंस वाले ड्राइवर के साथ आप
चले भी आएँ। अगर आप अपने से बुक करके जाते हैं तो 4000 से लेकर 4500 तक लगेगा। बाय द वे, अगर किसी फैमिली को चाहता है अपने फैमिली के साथ जाकर, और हम विदेश से जो लोग आ रहे हैं उन्हें हम रिसीव करके अपने घर पे लाएं, उनका क्या खर्चा होगा? वही जो नॉर्मल 4500 तो वही लगेगा? नहीं देखिए, उसमें भी हम कम से कम 5500 डिस्काउंट देंगे। 500 रुपये डिस्काउंट दीजिएगा? जी बिल्कुल देंगे। यानी पटना 4000 में गाड़ी जाती होगी तो आप 3500 में भेजिएगा? जी 3500 में भेज देंगे। इधर से लेकर भी जाएगी? उधर से लेकर भी आएगी। उधर से लेकर भी आएगी? जी। यानी ज़्यादा का डिफरेंस है? नहीं नहीं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यानी आम गाड़ी से भी तो फायदा है आपके यहाँ? बिल्कुल, आपको 500 रुपये कम थोड़ी होता है। आप दिन भर मेहनत कीजिएगा तो आपका 500 रुपये आता है। आपको लोगों को इसमें टूल टैक्स क्या क्या देना होता है सर? टूल टैक्स, वो देखिए टूल टैक्स कभी भी कस्टमर का ही होता है। अच्छा। गाड़ी वाले का कभी नहीं हुआ, क्योंकि किस रूट से वो जाएंगे, कितना टोल पड़ेगा, उसमें किसी को नहीं पता रहता है कि इधर कितना टोल लगेगा। अगर कोई आता है पटना से, गल्फ से आते हैं तो बहुत डर रहता है कि रास्ते में कुछ हो ना जाए, अनहोनी हो ना जाए। लोग भाई परदार से भी अपना बात नहीं बताते हैं, कोई अरब से आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी मानते हैं? इस बात मानना होगा, हम लोग देहात के लोग हैं। बिल्कुल, लोग बिल्कुल। अगर उधर से कोई आता है, गार्जियन कोई नहीं है, बढ़िया बढ़िया सामान लिए, सोना चांदी गहना चोरा के ला रहा है बेचारा, वो गाड़ी में आपको रख दिया, आप उसको अरब से ला रहा है, आप रिसीव कर घर पर लाइएगा, क्या आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है कि आप उसके साथ रास्ता में अनहोनी नहीं होगा? क्या आप उसको मतलब अस्वस्थ कीजिएगा उसको? जैसे मान लीजिए कि अनिया टूर एंड ट्रेवल जो है, इसके आप ऑनर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपको जो चाहिए आपको ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट के हिसाब से। ठीक है, उसमें तो मेरा आधार कार्ड पे तो कोई दूसरा नाम तो रहेगा नहीं, सेम रहेगा। तो आप जो भी आपको प्रूफ चाहिए वो आप ले लीजिए मेरे से, लेकिन हम भी आपसे प्रूफ लेंगे, कहीं इन केस मेरा ड्राइवर जो जा रहा है उनके साथ आप भी तो घटना घटा सकते हैं। हाँ हाँ, ये सही है। हैं, तो आपको भी देना है और हम भी देंगे, या आप दोनों चीज़ ले लीजिए, मेरा ऑनर का ले लीजिए, ड्राइवर का भी टोटल आप डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, मेरे को कोई नो डाउट, मैं देने के लिए रेडी हूँ। मतलब आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसका हिसाब दे सकते हैं? जी जी जी। आपका ऑफिस बड़हरिया में ही है? जी बड़हरिया में भी है, पटना में भी है। पटना में भी है? जी। अच्छा, फ़ोन करने के बाद कब बुक करना होगा आपकी गाड़ी? वन डे पहले। जी वन डे। अगर इमरजेंसी पड़ गया, पटना हमको भी जाना है, तो इमरजेंसी में देखिए, इमरजेंसी में क्या होता है कि इमरजेंसी में कोई भी चीज़ होता है तो उस समय देखना पड़ता है कि गाड़ी मेरे पास कौन सी खाली है, कौन सी रोड पे है और कौन सी यहाँ पे है, तो उसको कैसे हायर करना है। तो उस सिचुएशन में आदमी देखता है कॉस्ट को क्या करना है। मतलब अच्छा, वो आप फ़ोन पे बात कर लीजिए उनसे, यानी किसी भी तरह आप उपाय लगा देते हैं? जी किसी भी तरह का उपाय लग जाएगा। यानी एक और सवाल ये है कि सिवान बड़हरिया की बात हम लोग कर रहे हैं, सिवान बहरिया थोड़े पटना लोग जाते हैं, कोनो कोयल गौर लकड़ी मोतिया तो मोतिहारी, यही कहाँ कहाँ कौन को गांव होता है, और गाँव से जाना होगा किसी महिला को लेकर, वो कैसे है? देखिए क्या होता है, हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कहीं से भी आप जाइएगा, पटना से 145 पड़ता है बहरिया से आपका पटना, ठीक है, उसमें क्या हुआ, हम आपको लिमिट देते हैं कि 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिट होता है 10 किलोमीटर से। अगर आप मान लीजिए आप गोपालगंज के लिए बुक कर रहे हैं, तो गोपालगंज आपका कहाँ तक ख़त्म होता है? चले जाइए यूपी तक। हाँ। यूपी में जाके ख़त्म होता है। तो आप बताइए कि उस समय पे हम गोपालगंज उसमें डाले हुए हैं, आप चलिए लेके चलिएगा यूपी बॉर्डर पे, नेपाल के बॉर्डर पे लेके चले जाइएगा, तो उस हिसाब से फिर कॉस्ट देना पड़ता है। जगह गाँव का नाम बताइएगा, उस हिसाब से आपको उसमें ज़्यादा नहीं, जितना दूर का डिस्टेंस पड़ेगा उसी हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसा देना होगा। अगर सिवान के 10-15 किलोमीटर के अंडर में आप कहीं छोड़ दीजिएगा? कहीं छोड़ देंगे जी, 10-15 किलोमीटर का अंदर रेंज रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। बहरिया से भी 10-15 मीटर किलोमीटर के रेंज में रहेगा? कोई दिक्कत नहीं है। सेफ्टी के लिए लेकर पूरा आप लोग इसके जिम्मेदार हैं? बिल्कुल जिम्मेदार, 110%। अब कितने ही जगह की सेवा मिलेगा या और कहीं भी आपके पास सेवा है? देखिए हम लोग के लिए, अगर जब पटना में है, जब हम लोग हैं, ये तो मेरा पहला सेटअप ना है पटना, ऐसी बड़हरिया और सिवान के लिए। इससे पहले तो मैं हर ऑल इंडिया के लिए सर्विस दे रहा था ना। अब ऑल इंडिया में कहीं भी गाड़ी लेकर जाना, लेकर चले जाइए कहीं भी, ऑल इंडिया मेरा गाड़ी मुंबई दिल्ली सारे जगह गई हुई है, ये पहली बार थोड़ी मैं कह रहा हूँ। ऑल इंडिया मेरा कोलकाता हुआ, जैसे आपका मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, कोटा, कहाँ कहाँ हमने गाड़ी भेजा है। यानी ऑल इंडिया में कहीं भी आप गाड़ी जा सकते हैं? कहीं भी, 9 से 6 डेली खुलेगा। सातों दिन। कांटेक्ट करने के लिए आपसे 24 घंटा? जो स्क्रीन पर नंबर है जी 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 जी। तो देखिए, अगर आप गाड़ी हायर करना चाहते हैं एसी वाला, 4500 रुपये बचा कर आप 2600 रुपये में पटना जाना चाहते हैं, लखनऊ जाना चाहते हैं कम खर्चा में, गोरखपुर जाना चाहते हैं कम खर्चा में, और बहरिया में ऑफिस खुल गया है, आप एसी वाली गाड़ी बुक कर लीजिए, और सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी ऑनर का होगा, और ये ऑनर आप जहाँ चाहते हैं
वहाँ आइए, आपको छोड़ देंगे। स्क्रीन पर नंबर है, पहले वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद से आप इससे वाले सकते हैं। बहड़िया के गर्व की बात ये है कि बहड़िया में ऐसा ऑफिस अब खुल गया है, आप बहड़िया से भी आप दूर दूर जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।